हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आपको पता है कि NTAGC नेट JRF जून 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं की है अपनी तैयारी। तो उनके लिए एक शेड्यूल मैंने भेजा है यहाँ पर, मतलब मैं एक शेड्यूल आप लोगों को बता रही हूँ कि उसके थ्रू आप अपना सिलेबस जो है वो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे कि आप MCQ के लिए आपको काफी सारा समय मिल जाएगा। तो उसी को आज मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो आप पेपर 1 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना? पेपर 2 के बारे में जरूर मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बट पेपर 1 को भी आप इसमें सेम प्रोसेस के थ्रू इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आपके मैनेजमेंट का सिलेबस जो है वो दिखा देती हूँ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशली है कि जो पहली बार अगर पेपर दे रहे हैं NTAGC नेट का, तो वो ये चीज जरूर अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर है आप लोगों का सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस मैनेजमेंट का यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यूनिट 1 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 1 पूरी आप लोगों की मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टोटल 10 यूनिट्स आपके सामने यहाँ पर होंगी। तो फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे मैनेजमेंट आपको दिया है, उसके फंक्शंस दिए हैं, कम्युनिकेशंस, थ्योरीज, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इसमें इकोनॉमिक का पार्ट और साथ ही साथ में आपके बिजनेस एथिक्स का पार्ट यहाँ पर मौजूद है। ओके, इसमें से बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब जो मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगी यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट ओपन करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। नहीं तो इस समय आपके साथ क्या हो रहा होगा ना कि क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, ये वाली फीलिंग मन में बहुत आती है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेट वाइज चीजें यहाँ पर बता रही हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी ये समझने में कि आपको कब क्या पढ़ना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। ओके, इसी तरह से अगर आप देखेंगे सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स रिलेटेड है, जिसमें उसकी थ्योरी, सिग्निफिकेंस, है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर्स क्या होते हैं, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, ग्रुप बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्लाइमेट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, मतलब ये टोटली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आपकी यहाँ पर यूनिट है। ये जो यूनिट है दिस कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेसिक पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंस, रीसेंट ट्रेंड, है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, कंपनसेशन मैनेजमेंट, दीज ऑल कम्स अंडर द सेकंड यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन थर्ड यूनिट में आपका स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड टोटल सिलेबस आएगा, जिसमें लेटेस्ट टॉपिक जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वो इंक्लूडेड है, लाइक कंपिटेंसी मैपिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ओडी इंटरवेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी यहाँ पर मौजूद है, लाइक डिस्प्यूट, ग्रीवियंस मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो पार्ट है इट कम्स अंडर द थर्ड यूनिट। देन फोर्थ में आप देखोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये सारा वो मटेरियल है जो आप ऑलरेडी अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से रखते हैं तो बिलोंग करते हैं तो आपने BCom, BBA, क्लास 12th में काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, और अगर आप अकाउंट से रिलेट नहीं भी रखते हैं तो भी इसमें से काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अपने MBA के दौरान पढ़े होंगे, ठीक है? तो ये वही सारी चीजें हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिवरेज, बजटिंग, मोस्ट ऑफ दी चीजें ऐसी हैं जो थ्योरिटिकल हैं, ठीक है, जो थ्योरिटिकल हैं। और इस सेशन में बिकॉज हमारे पास मोस्टली काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है जो आप लोगों की सारी यूनिट्स को कवर कर रहा है, सिर्फ 4th और 5th यूनिट का नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि मैं 4th और 5th यूनिट का भी मोस्टली सिलेबस कवर जो है वो आप लोगों को करवा दूं यहाँ पर सिलेबस, ठीक है? थ्योरिटिकल पार्ट क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कम ही आते हैं बट थ्योरिटिकल बहुत पूछा जाता है, तो वो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने की कोशिश पूरी करूंगी। फिर आपका आता है यूनिट 5, जिसमें वैल्यू एंड रिटर्न, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, वैल्यूएशन, बॉन्ड, शेयर, रिस्क एंड रिटर्न, कैपिटल, बजटिंग, ठीक है, रिस्क अनसर्टेनिटी एनालिसिस, डिविडेंड, मर्जर एंड एक्विजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, छोटी सी यूनिट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, तो ये सारी चीजें
आपके यहाँ पर आएंगे। फिर आता है सिक्स्थ यूनिट, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि सिक्स्थ और सेवन्थ यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें आप ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट छोड़ दिया तो आपका काम हो जाए, ये सारी की सारे आप लोगों को जरूर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये है आपकी, जिसमें पूरा आपका स्ट्रैटेजिक इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसमें मार्केटिंग भी आपका इंक्लूडेड है, जिसमें मार्केटिंग सेट मार्केटिंग की स्टार्टिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन तक का पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, जो कि सारा कुछ चैनल पर अवेलेबल है। बट जैसा मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी होगी। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को ना रेगुलर बेसिस पर, जैसे मैं अगर क्लास ले पाई, जैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की क्लास ले पाऊँ, तो वो तो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड क्लास या फिर लाइव क्लास पहुंच ही जाएगी। वैसे मेरी कोशिश ये है कि सैटरडे संडे हम लोग लाइव क्लास और बाकी दिन हम जो है वो रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को सेंड कर पाऊँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो वही जो हमारे सैटरडे संडे की क्लास होगी उसमें हम डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है हफ्ते भर की क्लासेस रिलेटेड वो आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं। इवन कोई अगर और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जिससे कि हम उसको भी कंटिन्यू करते चलेंगे, साथ ही साथ पेपर को एनालाइज करना, पेपर को कैसे पढ़कर सॉल्व करना है, वो सारे सेशंस भी हम लोग लाइव क्लास के दौरान करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ। इसके बाद यूनिट सेवन आया, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर्स रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, रिटेल मार्केटिंग इसमें इंक्लूडेड है, मतलब टोटल मिला के सारा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आती है यूनिट एट, जो आप लोगों के लिए पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसका जो सबसे बड़ा फंडा ये है कि अगर इस यूनिट का जो स्ट्रैटेजिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यही आपको रिसर्च में भी आगे काम आना है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी चीजें दिखेंगी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये जो दिया है ना काइजन, कानबान, इस तरह की चीजें तो कुछ इस तरह की हैं कि लाइक अगर इनको अपनी पढ़ाई के दौरान भी अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया ना तो ये बहुत बेनिफिट कर जाएगा आपकी स्टडी को भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। फिर आता है यूनिट नाइन, इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी से रिलेटेड है ये पूरा, है ना, जिसका भी सारा मटेरियल ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। और फिर आता है आपका यूनिट टेन, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसमें माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी इसमें चीजें दी गई हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर देखे हमारा सिलेबस, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात। देखो अभी तक जो हमने देखा वो सिलेबस था, अब आप लोगों को क्या करना है। सिलेबस तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आपका सिलेबस है, है ना। पेपर वन पेपर टू दो सिलेबस आपके सामने, टोटल मिला के कहें तो 20 यूनिट्स आपको करनी है, और कितना टाइम बचा हुआ है तो वो आप देख ही सकते हैं कि अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है वो फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो प्रैक्टिस ही करोगे, पेपर का भरोसा नहीं है कब होगा, ठीक है। तो चार महीने हैं, चार महीने अगर लग के पढ़ाई कर ली तो लाइक ये समझिए कि आराम से सारी चीजें आप लोगों की होती चली जाएंगी, ओके। चलो अब ना कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट जो आप लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहले अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है। सिलेबस को बिल्कुल डीपली आपको क्या करना है ना, स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टास्क को स्टार्ट करने से पहले। दूसरा काम आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना है। और नोट्स में ऐसा नहीं है कि ये बुक में अगर 10-15 लाइन दी गई हो, 10-15 आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो सारा की सारा नोट करो, नो, इस 10-15 को सार निकाल के दो लाइन में कन्वर्ट करके बस वो दो लाइनें आपको लिखनी है। नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक ही पेज पर कोशिश करिए कि आपका वो पूरा टॉपिक कवर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है डिसीजन मेकिंग,
तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, उसकी डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस है ना, उसका जो डायग्राम है वो है ना, उसकी जो स्ट्रेटजीज होती है वो स्ट्रेटजीज सब कुछ एक ही पेज पर आ जाए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने स्पाइरल बाइंडिंग की ब्लैंक फाइल्स देखी होंगी जिसमें व्हाइट पेजेस होते हैं, आप वो ले सकते हो, या भी कोई सिंपल रजिस्टर जो है बड़े पेज का वो आप ले सकते हो। उस पर आप कोशिश कीजिए एक ही पेज पर सब कुछ आ जाए, तो उस तरह से आपको लिखना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ब्लैंक पेज होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जो करंट चीजें उनको हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइटर का यूज करके, है ना, ज्यादा कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट। तो नोट्स जो है वो शुरू से बनाते जाइए, लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा से बोला है वो है आपका कि एक ऐसी कॉपी तैयार कीजिए जिसमें 10 सेक्शन डिवाइड कीजिए यूनिट वाइज, कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर एनालिसिस के दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलकर सामने आता है तो यू जस्ट राइट डाउन देयर, चाहे वो कोई डेफिनेशन हो, कोई एडियम्स हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक का टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कुछ नया हो, तो वो आप नोट डाउन करते जाइए अलग से एक कॉपी लेकर, ठीक है। तो ये नोट्स की कॉपी तो अलग है और ये एक नोट की कॉपी अलग है, ये बिल्कुल लास्ट टाइम वाला हिसाब है कि बस लास्ट टाइम जरा सा पढ़ के देख लिया कि हाँ ये रिपीट हुआ था तो उसी को आपने तुरंत कर लिया। तो ये तीन चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ आप लोगों को जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि 4-5 दिन आपको रेगुलर आने में लगेगा, तो 4-5 दिन तो चलो आप पढ़ाई कर लो, बट आफ्टर 5 डेज, ठीक है, आफ्टर 5 डेज स्टार्ट MCQs प्रैक्टिस फॉर बोथ द पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों के लिए आप अपनी तैयारी करना शुरू कर देना आफ्टर 5 डेज, ठीक है। स्टार्टिंग करना 5 MCQs को डिटेल स्टडी करके, 5 MCQs डिटेल स्टडी, ठीक है, 5-5 MCQ डिटेल स्टडी करना, डिटेल स्टडी मतलब डिटेल ही करना है, ऐसा नहीं है, है ना, डिटेल एनालिसिस के साथ में आपने पढ़ के देखा, इजी लाइक आपका क्वेश्चन सही हो गया, वेल एंड गुड है, और इन्फॉर्मेशन लो उसकी, गलत निकला है तो क्यों गलत निकला है, क्या उसका आंसर हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये अगर आप करते जाएंगे, ये MCQs कौन से होने चाहिए, PYQs होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर आपका क्या होगा कि साइड बाय साइड PYQs भी तैयार होते चले जाएंगे, इवन आप अपने पेपर को एनालाइज भी कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कोई भी बुक ले लो, जैसे अरिहंत की भी अगर आपने बुक ली होगी तो, या फिर कोई भी आप बुक ले रहे हो, उस बुक में आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के 4-5 साल के पेपर्स उसमें दिए रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेली के 5 दिन बाद 5-5 क्वेश्चन, इसी तरह से 10 दिन बाद 10-10 क्वेश्चन करना शुरू कर दो, और आफ्टर 25 डेज 25 क्वेश्चन पर डे आपको करना ही करना है डिटेल एनालिसिस के साथ में, है ना। जब आपका ये चीज आप करोगे ना तो आप देखोगे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट भी हो रही है, तो ये जो पढ़ाई है ये पढ़ाई तो चलती जाएगी, जो आप पढ़ रहे हो यूनिट वाइज वो तो आपका होता चला जाएगा, बट साइड बाय साइड आपको PYQs भी सॉल्व करते जाने हैं। तो टोटल मिला के मान के चलिए अगर JRF हासिल करना है, या जो आपका टारगेट है नेट JRF व्हाटएवर वो अगर आपको हासिल करना है, तो अब पढ़ने के लिए समय भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार 1 घंटा मैंने पढ़ लिया दैट इज सफिशियंट, नो, अब उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा सा ना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा, टीवी का टाइम छोड़ दो, मोबाइल पर जो स्क्रॉलिंग करते हो उसका टाइम छोड़ दो, खाने को अगर 1 घंटा लगाते हो 10 मिनट में खा के फिनिश करो, और जितना हो सकता है उतना अपना जो टास्क है कंप्लीट करने में लगा दो। कोई अगर हाउस वाइफ है जो तैयारी कर रही है, या वर्किंग वुमन्स है, या वर्किंग मैन है जो तैयारी कर रहे हैं, अपने ऑफिस आवर्स को छोड़ के बाकी का जो समय है उसको शॉर्टली अपने काम फिनिश करके पढ़ने पर बैठ जाओ। नींद थोड़ी कम होगी, कोई बात नहीं है, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट निकल कर आएगा नींद बहुत अच्छी आएगी, ओके। तो इसलिए इन चीजों को करना जरूरी है। अभी इसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप किस तरह से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको पता है कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, ठीक है। ये जो स्केड्यूल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है कि आप इसके थ्रू अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 10 यूनिट आपके पास है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कल है 10 फेब, तो
तो 10 फेब आज का काम है, 9 फेब का, कि आप जितना भी सिलेबस है उसको बहुत डीपली स्टडी कीजिए और आप बोलकर देखिए कि उनमें से क्या क्या चीजें आपको बनती हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं बनती हैं, कुछ नया लग रहा है तो उस नए के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर थोड़ा सा अगर कुछ मिलता है तो नोट डाउन करते जाइए। तो ये आपका आज का टारगेट है। इसके बाद 10 फेब से लेकर 20 फेब तक आप अपना यूनिट 1 जो है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, 10 डेज सफिशियंट है यूनिट 1 के लिए। फिर उसके बाद सेकंड आपका आता है 20 फेब से लेकर 28 तक आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यूनिट 2 कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट 2 कुछ इस तरह से है कि आप आसानी से उसको 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि आप चाहें तो बीच में एक आध दिन का अगर लाइक आपको कोई गैप होता है या कुछ होता है तो भी आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, यूनिट 2। फिर आता है यूनिट 3। तो यूनिट 3 के लिए आप 1 मई से आप स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, और जिसको आपको 10 मई तक खत्म करना है, ठीक है, यूनिट 3, जिसमें सारा कुछ डिटेल स्टडी के साथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका 11 मई से लेकर 20 मई तक आप जो है वो कंप्लीट करेंगे अपना यूनिट 4, ठीक है। आप यूनिट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सी पहले करनी है कौन सी नहीं करनी है, बट अपना जो जो है कि भाई टारगेट है कि इतने दिन के अंदर ही कंप्लीट होना है तो होना ही है, ठीक है। तो 30 मई तक आप जो है ये कंप्लीट करेंगे यूनिट 5। फिर आता है आपका 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आपको यहाँ पर 10 अप्रैल तक यहाँ पर यूनिट 6, फिर 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल यूनिट 7, फिर 21 टू 30 यूनिट 8, फिर आ गया आपका अप्रैल के बाद मई, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मई लिख रही हूँ, एक्चुअली मार्च है ये, ठीक है, मार्च, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और देन मई। तो यहाँ पर जो मई है 1 मई से लेकर आपका 8 मई तक आप अपना यूनिट जो है 9 कंप्लीट कर लेंगे, जब बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आसानी से हो जाएगा। फिर 9 मई से लेकर 14 मई तक आप अपना कंप्लीट करेंगे यूनिट 10। सिमिलरली दिस इज फॉर द पेपर 2, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इसी तरह से पेपर ये 2 के लिए हुआ है, इसी तरह से पेपर 1 के लिए भी आप अपने यूनिट्स को डिवाइड करके साइड बाय साइड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप 8 दिन और 10 दिन का गैप देकर अपनी यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो 15 मई तक आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद, और जैसा मैंने कहा कि साइड बाय साइड आप धीरे धीरे करते करते 25 MCQs पर डे पर आप आ चुके होंगे, तो यहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग हो जाएगी वो हो जाएगी रिविजन पार्ट की, ठीक है, रिविजन प्लस सिर्फ MCQs, PYQs एंड दी एनालिसिस, सिर्फ ये वाला फंडा जो है ये आप लोगों को चलाना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और देखेंगे कि जून का जो आपका पेपर रहेगा उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार आपके सामने आएगा, ठीक है। तो इस टारगेट को आपको याद रखना है, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आप डॉक्टर एंड योर नेम JRF अपने बोर्ड पर लगा लीजिए, ठीक है, अपने नाम के आगे आप JRF लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज करके आप अपने आप को पूरे टाइम मोटिवेट रख सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक शेड्यूल आप तैयार कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, और अब टाइमली जो है वो कंप्लीट करके अपना सिलेबस कंप्लीट आप कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। मेरी कोशिश है कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियो भेजूं, और सैटरडे संडे हम लोग लाइव क्लासेस के लिए भी आएंगे, तो जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे और जो भी टफ टॉपिक होगा वो हम उस दिन जरूर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ज्वाइन द टेलीग्राम, एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और क्योंकि आप लोगों को सारे बेनिफिट्स जो हैं वो जरूर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।